हमरा वोट खिला शाहजहान गार्डन और यहाँ का जो फर्स्ट क्लास मार्केट हुआ हैंडीक्राफ्ट का हाल का बना हुआ हेलो गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और दोस्तों आज मैं हूँ दिल्ली, दिल वालों का दिल्ली पे कुछ काम से आया हुआ था तो मैं प्लान करा कि आज क्यों ना आगरा जाया जाए और अपना ताजमहल देखा जाए जो कि इंडिया का शान है। और मैं ऑलरेडी बस स्टैंड पे आ चुका हूँ, बस ये बस भी रेडी है, बस का कंडीशन ज़्यादा कुछ तो खास नहीं है सरकारी बस से, तो चलते हैं कोई नहीं। और अभी ऑलरेडी 10 बज रहे तो ड्राइवर सर ने बोला कि 2 बजे हम ताजमहल के सामने होंगे, मतलब ये बस ताजमहल के सामने से होकर ही गुजरेगा और हमें वो डायरेक्ट ताजमहल के सामने उतार देगा, तो अभी देखते हैं। और टिकट का मुझे अभी तक मैंने काटा नहीं टिकट, लेकिन आइडिया में मुझे बोला कि 300 प्लस कुछ होगा, तो टिकट का दाम जो भी होगा मैं इधर स्क्रीन पर लिख दूँगा और अभी जाकर देखते हैं कैसा होता है क्या होता है और आप लोगों को बाकी सारा अपडेट मिल ही जाएगा। दिल्ली से मैंने काफ़ी लोगों को पूछा, एक्चुअली मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कहाँ से बस मिलेगा, ऑनलाइन भी काफ़ी सारा दिखा रहा था, तो मुझे 3-4 जनों से मैंने बात किया तो सबने मुझे यहाँ आने को बोला सराई काले का बस स्टैंड, तो मैं सराई काले का बस स्टैंड पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आके देखा कि यहाँ के नज़दीक का जितना भी स्टेट्स है लाइक हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, इस बस स्टैंड में सारा स्टेट्स का बस जो है अलग अलग कैंप लगा हुआ है, इसी से चलते हैं। तो मैं यूपी के साइड पे आ चुका हूँ और यूपी में ये बस रेडी कर रखा है, तो अभी 2-3 दोस्त भी आ रहे हैं उनका वेट कर रहा हूँ, तो वो आने के बाद ही हम निकलेंगे, उसके बाद जाकर आपको बाकी दिखाता हूँ कैसा क्या है। Years later. तो फाइनली हम आगरा पहुंच चुके हैं, 4 घंटे के सफर के बाद दिल्ली से हम आगरा पहुंच चुके हैं। अभी हमने बस वाले ने इस जगह पे हमें दिखा दिया, जगह का नाम तो पता नहीं, तो इधर रुकिए भैया से भैया के साथ बात हुआ तो भैया ने बोला हम 5 लोग हैं, 5 लोगों का पर हेड 80 रुपीज़ लेंगे, टोटल 400 लेंगे और सारे को ये आसपास का जितना जगह है ताजमहल, आगरा फोर्ट, बाकी जो भी 4-5 जगह का नाम बोला भैया ने सब हमें घुमा देंगे 80 रुपीज़, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। और भैया के मुँह से सुनते हैं कौन सा जगह हम जाएंगे। ताजमहल, आगरा फोर्ट किला, शाहजहान गार्डन और यहाँ का जो फर्स्ट क्लास मार्केट हुआ हैंडीक्राफ्ट का हाथ का बना हुआ, आगरे का कहीं पेठा वगैरह लेंगे भरिया वाला घर के लिए, और खाना फाना खाना हो तो बता देना खिलवा देना, इतनी जगह में आपको शाम हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन जी, आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम दीनदयाल गुप्ता है। दीनदयाल गुप्ता जी, भैया ने जो सारा जगह का नाम बोला बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें बोला, तो आप भी अगर कभी आगरा आते हो भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। भैया आपका नंबर बता दीजिए। 9760408753 जी। और भैया का नंबर मैं भी लिख दूंगा नीचे, भैया से लेकर आपको अगर आवाज़ सुनाई नहीं देता मैं लिख दूंगा, अगर आप भैया यहाँ आगरा आते हो तो भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हो, भैया अपने गाड़ी में आपको घुमा देगा सारा। हम आ चुके हैं आगरा फोर्ट, देखिए आप फाइनली आगरा फोर्ट आ चुके हैं। यहाँ पे पर हेड 50 रुपीज़ का टिकट लगता है और अंदर कुछ ऐसा है, अभी हम अंदर घुसेंगे, अभी तक घुसा नहीं अंदर, से कुछ ऐसा दिख रहा है। 50 रुपीज़ का टिकट सही है जगह के हिसाब से। और ताजमहल हम जाएंगे शाम को। जगह तो काफ़ी सही है इसका अंदर का, ये देखिए काफ़ी फ्रेश सा जगह है, लेकिन इसका पीछे कुछ स्टोरीज भी है इसके पीछे, वो आप लोग गूगल कर लेना, बाकी अभी तो फ्रेश ही है।
अंदर का कुछ ऐसा है इसका, सही है काफ़ी। और यहाँ आपको गाइड भी मिल जाएगा, लेकिन आप ऑफिशियल गाइड ही लेना, दलाल भी बहुत सारे, दलाल मत पकड़ना, ऑफिशियल गाइड के पास बैच रहेगा ऑफिशियल, तो यही जानकारी है उनका कि वो ऑफिशियल गाइड है। इधर से देखो आपको ताजमहल भी नज़र आएगा, स्पार्क भी, वो देखिए आपको ताजमहल भी नज़र आ रहा है, स्पार्क थोड़ा दूर है यहीं से। और यहाँ पे जो भी कारीगरी करा हुआ है सब मार्बल के ऊपर करा हुआ है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है सारा। यहाँ का जेल, ये जेल हुआ करता था यहाँ का, मुझे तो अभी भी देखकर डर लग रहा है इसे, नहीं पता उस टाइम पे कैसे कैदियों को रखते थे इधर और कैदी कैसे रहते थे इधर, एक ही दिन में दम घुट के मर जाएंगे लोग इधर पे। गाइस ट्रस्ट में बहुत ही बड़ा है ये मोनूमेंट, अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मैं जूम करता हूँ, ये देखिए। ये देखिए अंडरग्राउंड जाने का रास्ता, लेकिन ये बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों, शायद होता होगा कुछ, लेकिन ये देखिए आप दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये अंदर जाने का रास्ता बंद है। तो लाल किले के अंदर में जब से इधर आर्मी मिलिट्री ने कब्जा करा, तो मीना बाजार गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अच्छा, किले के अंदर से हटा के बाहर सेट कर दिया, उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग सेंटर बना दिया। तो जितना भी आगरे का जो फेमस आइटम बनता है ना, मीना कारागरी का हाथ का बना हुआ, वो सारा शॉपिंग सेंटर के अंदर देखने के लिए मिलता है, प्लस सेल होता है फिक्स प्राइस के। तो अभी हम आ चुके हैं यूपी हैंडीक्राफ्ट आर्ट बाज़ार पे, यहाँ पे एंट्री फ्री रहता है, और अगर कुछ लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे हाथों का कारीगरी होता है। और हम घुस रहे हैं अभी, देखते हैं साड़ी वगैरह होता है, अगर मदर के लिए कुछ अगर लगता है माँ के लिए सही तो ले सकते हो, ऐसा कुछ है, ये सब हाथों का है बनने वाला, ताजमहल सब मार्बल का बना हुआ है। मैंने बनाया अपनी मुमताज बेगम के लिए, घूमने फिरने टहलने के लिए 350 वर्ष पहले, जब साझा का टाइम खत्म हो गया, अपना अंग्रेजों का राज आ गया ना ब्रिटिश टाइम, तो ब्रिटिश टाइम के अंदर अंग्रेजों ने लगाया इधर किंग विक्टोरिया का मूर्ति, जो अंग्रेजों की थी ना विक्टोरिया, उसका मूर्ति ला गया, उसको विक्टोरिया गार्डन बोलने लगे ब्रिटिश टाइम के, अंग्रेजों के टाइम के अंदर। जब अपना हिंदुस्तान आजाद हो गया, जवाहरलाल नेहरू जी का जमाना आया, तो उन्होंने ऐसे अंग्रेजों की मूर्ति को हटा के अपने पिता मोतीलाल नेहरू जी की मूर्ति की स्थापना करा, तो आधे में इसका नाम है मोतीलाल नेहरू गार्डन और आधे में इसका नाम है साझा गार्डन। देखने का सामने में एक मूर्ति लग रहा है जो मोतीलाल नेहरू जी का, बाकी गार्डन है अपना फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए 10 रुपये का टिकट लगता है, सीधा जाना है, घूम के 15-20 मिनट लगता है, घूम के अपना आ जाए, अगर जाना चाहो तो आपका मर्जी, चलो चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शाहजहान गार्डन, ये देखिए शाहजहान गार्डन, 10 रुपये टिकट लगता है इधर आने को, अब हम अंदर जाके देखते हैं कैसा लगता है। ये कुछ ऐसा है शाहजहान गार्डन,
आगरा फोर्ट पे हमें लगा था 50 रुपये का टिकट, और ये शाहजहान गार्डन में लग रहा है ओनली 10 रुपीज़ का टिकट। इस पर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, मोनूमेंट वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है, बस गार्डन जैसा है और एक दो मूर्तियाँ यहाँ पे है। और बाकी जो ऑटो वाला भैया ने हमें बोला वो तो आपको वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी सही से पता नहीं है। और ये देखिए काफ़ी सुंदर है, फ्रेश है जगह, ये गार्डन है। तो फाइनली अभी हम ताजमहल घुस रहे हैं पूर्वी द्वार से, जो ऑटो वाले भैया ने हमें यहाँ छोड़ दिया, बोला कि यहाँ पे हर सवारी को नहीं छोड़ते, जो एक बार में रिजर्व करते हैं उसको ही छोड़ते हैं, और यहाँ से एकदम ही सामने जस्ट टिकट दिखाओ और अंदर घुस जाओ। और एक गेट है, उस गेट से अगर आप जाते हो तो उसमें से 1 किलोमीटर के करीब आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो ये सबसे बेस्ट गेट है। आप भी अगर ताजमहल आते हो तो पूर्वी द्वार से घुसना, तो आपको ज़्यादा जल्दी एंट्री मिलेगा और बहुत कम चलना पड़ेगा। एंट्री कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करके आपको। ये हम प्रवेश कर चुके हैं ताजमहल के अंदर VIP एंट्री से। एक्चुअली गेट का नाम है VIP गेट, लेकिन हमने कोई VIP एंट्री नहीं लिया, हमने जस्ट नॉर्मल एंट्री लिया नॉर्मल लोगों के तरह। द माइटी ताजमहल, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पर ताजमहल पे। कोशिश करता हूँ जितना आपको व्यू दिखा सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। द माइटी ताजमहल यहाँ घुसने का आपको टिकट ऑनलाइन में अगर आप लेते हो 45 का लगेगा, और अगर ऑफलाइन में आप डायरेक्टली काउंटर से लेते हो तो 50 रुपीज़ का लगेगा ओनली बाहर का व्यू से, और अगर अंदर भी जाना चाहते हो कब्र देखने के लिए तो उस पर आपको 200 का लगेगा टिकट। तो ये रहा द माइटी ताजमहल मेरे पीछे, ये देखिए चारों तरफ का व्यू ताजमहल का, ये देखिए द माइटी ताजमहल। इस साइड में भी एक है, चारों तरफ चार गेट है इस तरफ। ये देखिए द माइटी ताजमहल, फाइनली आफ्टर 1.5 घंटा हम एग्जिट कर लिए ताजमहल से, अभी निकल रहे हैं। अपना जो अंकल जी है ऑटो का अंकल जी, वो बाहर रुक रहे हैं एक होटल के सामने, एड्रेस हमें बोल रखा है, उधर ही जा रहे हैं अंकल के पास। एग्जिट भी उसी रास्ते से होता है जस्ट थोड़ा पीछे से, एंट्री बैक वहाँ से तो आधा रास्ता आके हम लेफ्ट लेते थे, और एग्जिट के टाइम सीधा निकल रहे हैं पीछे से। जगह तो काफ़ी खूबसूरत है, आउटर साइड भी काफ़ी खूबसूरत है, और इनर तो एज यूजल हो गई, वो तो नो डाउट।